हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एरर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम लोग अपने अकाउंट में पबजी अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को एक एरर मिलता है, अगर आपको मिल रहा है तो। और ये एरर कब मिलता है? जब हम अपने अकाउंट से लॉग आउट कर देते हैं ना और वापस लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर मिल रहा है। इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्यू सेकंड्स में, यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को। जब हम लोग लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन कर रहा हूँ मैं और मेरे को ये एरर मिल रहा है। और जब हम बार बार अगेन एंड अगेन ट्राई करेंगे ना तो हम लोग को टाइम देने लगेगा। फेल्ड अटैम्प्ट जितने इंक्रीज़ होंगे ना वैसे ही टाइम भी इंक्रीज़ होने लगेगा। इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप लोग ये वाली एप्लीकेशन या कोई और आपके पास में एप्लीकेशन हो ना उसे ओपन कर लें, कोई भी सर्वर कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद में अपना पबजी ओपन करें। पबजी ओपन करने के बाद में आप लॉगिन करें वापस। आपका हाँ टाइम जो चल रहा हो ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद में लॉगिन करने का ट्राई करें। और आप देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है थोड़ा, एंड देन लॉगिन हो चुका है कुछ सेकेंड। और ये देख सकते हैं आप लोग हमारे अकाउंट में लॉगिन हो चुका है और कोई भी एरर नहीं आया है। इस तरीके से आप भी अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में आप लोग ये वाली एप्लीकेशन या जो भी एप्लीकेशन आपने कनेक्ट कर रखी है ना उसे लॉग आउट क्लोज कर दें और अपने पबजी को रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट कर लेंगे उसके बाद में कोई भी एरर नहीं आएगा। और अगर आप जब भी लॉग आउट करते हैं ना ये एरर आता है तब यही वाला वे यूज़ कीजिएगा और आप लोग ईजिली लॉगिन कर पाएंगे। ये जो वे है एंड्रॉयड और iOS में दोनों में वर्क करता है। आप दोनों डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड